देखो तुहानू पता ही है जदों दा कोविड दा शुरू होया ते इन्ने ज़्यादा 30,000 तो उपर केस इकट्ठे होए हुए ने। हर आपां पंज जोनां दी अज इकट्ठी लगाईए कोर्ट ते पंज जोनां चों ही सारिआं दे कोल किसी कोल 1,000 केस पए होए ने पेंडिंग, किसी कोल 800 ने, किसी कोल 500 ने, छोटे एरिया च 250 ते पेंडिंग इन्ने ज़्यादा केस पए होए ने। कमीशन च भी केस पेंडिंग ने, वुमेन सैल च इन्हां कोल प्रेशर बड़ा क्योंकि स्टाफ की कमी है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है वुमेन सैलां उत्ते ते लोकां नूं जस्टिस किवें मिले। इस करके आपां अज पंज जोनां दी इत्थे, कल भी सारा दिन कोर्ट है, अज भी कोर्ट लगाईए कि वध तो वध लोकां दे केसां दी सुनवाई कर सकीए और उन्हां नूं जस्टिस। इस करके सारे इत्थे जिन्ने भी सीनियर ऑफिसर ने इत्थे बुलाए हुए ने पंजो जोनां दे ते हेयरिंग अज सवेर दे कर रहे हां। अदालतां नहीं, अदालतां पहले भी लगाईआं ने पर इह जिहड़ी अज पंज जोनां दी लगाईए ना, अज इह पहली वारी लगाईए। फैमिली डिस्प्यूट ही ने जिहड़े, कोविड तो पहला भी कुछ केस पए होए सी पेंडिंग, बाकी फैमिली इनफ्लुएंस है। तुसीं समझदे ही हो कि फैमिली इनफ्लुएंस कोविड दे च जिहड़े जॉइंट फैमिलियां इकट्ठियां होईआं ने ते इह केस वध गए ने। औरत हक समझते हैं, बड़ी सोहनी तुसीं गल कीती। मैं शुरू तो कहती आ रही हाँ जदों का मैं कमीशन का भार संभालिया है कि औरत का ना वजूद नहीं सैट हो सकिया। इन्हें ना इनका रीज़न की है, आप सारी राजनीतिक पार्टियां जड़ी भी सरकार सत्ता चाहदियां ने, बड़े वे वे कानून बनते ने, हर वरी औरत नूं भी मुद्दा बनाया जाता है इलेक्शन च, वूमेन एम्पावरमेंट से बड़ी वड्डी वड्डी गल्लां कीतियां जांदियां ने, कानूनां च अमेंडमेंट हो जाती है। निर्भया कांड होया, क्या रेप रोक गए, उस तो बाद बड़ी कानूनां च अमेंडमेंट होईयां ते इन्दे रीज़न है। एक तो चलो लॉ च ते सरकारां दा काम है सिर्फ कानून च अमेंडमेंट करना, जो कि सरकारां टाइम टू टाइम करदियां भी ने, बट जिहड़ी वूमेन एम्पावरमेंट की गल है ना, 50% तो अबव औरतों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही नहीं पता कि साढ़े अपने राइट्स की ने। जब तक खुद औरत अवेयर नहीं होएगी कुछ हूँ इन्दे विच आप कह सकते हैं कि जड़ी लड़कियां नू पता ने राइट, कुछ मिसयूज भी होंदा है जिंदे विच फैमलियां, समाज का एक माहौल, फैमलियां डिस्टर्ब हो जांदियां ने। अज मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स नाल गल कर रही सी, इन्हां ते भी इन्ना कु प्रेशर है दस रहे सी रहिंदा है। कई वारी कुछ राजनीतिक पार्टियां दे नुमाइंदे कुछ जड़े एडवाइजर बन जांदे ने, कुछ होर जड़े सोशल समाज दे नुमाइंदे हुंदे ने, प्रेशर पांदे ने, पर सानू प्राउड है कि ऑफिसर जस्टिस करदे ने, प्रेशर नू नहीं चलदे, पर केस पेंडिंग हो ही जांदे ने। ते जब तक औरत पढ़ी लिखी कुड़ी नू अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं पता लगनगे, औरत अपने उत्ते जुल्म सहंदी रहेगी। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, सरकार नू भी इंदे ते काम करन दी, विलेज टू विलेज, पिंड टू पिंड काम करन दी जरूरत है कि काउंसलिंग कैंप लगाए जान, औरतां नू उहनां दे हक प्रति जागरूक किया जाए कि तुहाडे राइट्स की ने, इंदे नाल नाल समझाया जाए कि शादी का मतलब की है, कि तुसी लाइफ विच बैलेंस किवें करना है। शॉर्ट टेंपर होंदियां ने, आंदियां ही लड़कियां दा हुंदा कि सानू सारा कुछ मिल जाए, और जड़े मुंडे हुंदे ने अपनी जिंदगी नू वाइफ नू रिस्पेक्ट नहीं करदे, बैलेंस नहीं कर पांदे, या ते परिवार दे दबाव विच आ जांदे ने या अपनी वाइफ नू ही हरास करना शुरू कर देंदे ने, ते एक बैलेंस करना जिंदगी नू बहुत जरूरी है। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। जी देखो मैं तो तुहानू सारिआं नू पता होएगा, मैं टांडा पहुंची भी सी, 6 साल दी जिहड़ी बच्ची दा रेप होया, जिन्नी इंदी निंदा कीती जाए कि रेप करके उन्हूं जला दिता गया ते बहुत ही निंदनीय है। पर मैं इंदे च एक गल कहांगी कि देखो निर्भया कांड होया, उस तो बाद क्या हर 22 मिनट च इंडिया दे इच एक बच्ची दा, लड़की दा रेप हो रहा। चलो कानून बन गए कि 12 साल दी बच्ची थल्ले तो बच्ची दे उसते फांसी दी सज़ा होएगी, पर उस तो बाद हाले तक एक भी केस च फांसी नहीं हुई। मेरा यह मानना है हाथरस की घटना हुई, अपा यूपी दे नाल अपा अपने पंजाब नू नहीं कंपेयर कर सकते, साडा पंजाब गुरुआ की धरती है, बहुत मेहर है, पर बहुत मेहर दे नाल नाल ए बड़ा दुर्भाग्य है कि एखो जे कांड पंजाब विच कदी नहीं होए सी। पंजाब विच टेररिज्म आया, पंजाब विच ड्रग्स आया, पर यह जड़ी छोटी छोटी बच्चियां दे घर, धीआं सब दे घर ने, अज तुहाडा भी मन एखो जी दुर्घटनावां नू देख के व्यथित हो जांदा होएगा कि हाए साडी बच्चियां दा फ्यूचर की है।
हर पेरेंट्स अज सोचता है कि छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, तो इनकी भी रूट कॉज तक एक तो मेरा यह मनना है अपना, यह मेरा परसनल व्यू है कि साड़ी जड़ी पापूलेशन है इन्हें तो जरूर काम सरकारों नैशनल वालों कोई स्ट्रोंग कानून पास हो जाना चाहिए कि एक जिस तरह चाइना च वन चाइल्ड है साढ़े इंडियन इंडिया टू चाइल्ड रूल आ जाना चाहिए। दूसरा इन्दे नाल एजुकेशन पॉलिसी चेंज आ जाना चाहिए। पब्लिक स्कूलों आपां बच्चों सिखा दें गुड टच तो बैड टच की है, जदों सिखाने मैं सिस्टम देखिया कुड़ियाँ और मुंडियां वखरा वखरा कर दिता जाता है। कुड़ियां नूं तां तुसीं सिखाता बैड टच ते गुड टच की है, मुंडियां नूं की सिखा रहे हो? मुंडियां नूं सिर्फ क्रियोसिटी दे रहे हो कि कुड़ियां नूं की सिखाया जा रहा है। बच्चे बॉयज़ नूं कोई और सरकारी स्कूलों से यह भी नहीं सिखाया जा रहा कि बैड टच ते गुड टच की है। काउंसलिंग की बहुत जरूरत है और एजुकेशन पॉलिसी देखो साड़ी जड़ी देश की एजुकेशन पॉलिसी है, बारहवीं तो बाद बच्चे कैरियर चुनते हैं लॉ का, जड़े बच्चे किन्ने परसेंट बच्चे चुनते हैं उन्होंने पता चलता देश कानून की है, पर जड़ा बेसिक कानून है एजुकेशन पॉलिसी हूँ जो साढ़े देश का माहौल है हिंदुस्तान रेप करके औरतों की सुरक्षा नू कर लेके बदनाम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नू अपील है कि देश की एजुकेशन पॉलिसी जल्द तो जल्द बदलाव लेके आया जाए, बदलाव इस करके लेके आया जाए कि जो एजुकेशन पॉलिसी बनती है सरकारी स्कूलों च कंपलसरी कर दिता जाए कि फिफ्थ क्लास तो बेसिक लॉ दी एजुकेशन, एक लड़की नू पता होना चाहिए कि तैनू किसी ने राह चलते टच करता अख मारती अश्लील कमेंट करता तो इनकी सज़ा की वे, ए तू कित्थे शिकायत कर सकती हाँ। जे ए सरकारी स्कूलों तो जिन्हों परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों पढ़ते ने उन्होंने पता लग जाए कि इट्स ए क्राइम, ए एक जुर्म है, तो मैनू लगता है कि बहुत हद तक इन्हों समस्यावां ते पकड़ पाई जा सकती है जो कि अनमूलन नहीं होंदा। 50% वोट औरत दा, हर घर च औरत है, माँ है, बहन है, बीवी है, राजनीतिक पार्टियां नू वोट ते चाहिदा पर उनकी सुरक्षा दे नाम ते तुसी लास्ट दे 6 महीने और साल मुद्दा बना लेंदे औरत नू। क्या औरत मुद्दा बनन वास्ते वे या तुहाडे बिस्तर ते जान वास्ते वे? औरत ऐसे करके रह गई है। पर हुण यूथ एक की पंजाब स्टेट विमेन कमीशन चाहे मैनू इलेक्शन दे टाइम ते अपनी कुर्सी तो रिजाइन करना पए क्योंकि कमीशन कंपेन नहीं कर सकता, पर मैं ऐप की अपनी पंजाब दी बेटियां दी सुरक्षा ली जड़ी राजनीतिक पार्टी औरता दी सुरक्षा दी गल करेगी और पर्सनैलिटी वोट ऐप की कम करेगा ते मैं उन्दे लिए कंपेन करांगी। मैडम तो नहीं लगता कई बार ये जड़े एक्ट बनाए गए इहदे वास्ते मिसयूज हुंदा ना? बिल्कुल होंदा है जी, मैं तो शुरू तो कहनी हाँ कि मिसयूज होंदा है, मैं हर वारी क्या पर मैं अपनी कमीशन च पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन है औरतों के राइट की गल करता है पर मैं इन्वेस्टिगेशन करानी हाँ। मैं अज अपने ऑफिसर्स नाल भी यही गल कर रही सा कि मैं कभी भी लड़की की कंप्लेंट ते विदाउट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि देखो जड़ा आदमी है उनके पिछे भी तो एक माँ और बहन है, परिवार है, जरूरी थोड़ा हर मामले च लड़की ठीक ही है। 182 के तहत इंक्वायरी करा के सीनियर पुलिस ऑफिसर बैठे ने इन्हों भेजी दे कि इंक्वायरी करके सानू भेजो जदों कोई लड़की गलत, बड़ी कुड़ियां भजदियां भी ने मेरे क्वेश्चन से जवाब देंदे हुए क्योंकि सानू सबूत चाहिए। वर्बली एलीगेशन से मैं अज तक भी कार्रवाई नहीं की, मैनू सबूत दियो तुसी। अरे मैम एक बात बताइए, जैसा कि आप शिकायत बड़े अफसरों को भेज देते हैं वहाँ से, हर जिले में महिला थाना है तो महिला थाना में तो सबसे पहले बात है कि 80% स्टाफ पुरुषों का है। पानी दे बेटा। 80% स्टाफ पुरुषों का है और दूसरी बात वहाँ के जो सलाहकार है कुछ को छोड़ के चंद को छोड़ के वहाँ पे सब दलाल वाले किस्म के लोग हैं दोनों पक्षों से, तो सबसे ज्यादा आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है महिला थानों से आ रही है, महिला थानों की जो दशा है और दुर्दशा है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही, पूरे पंजाब की बात है। सफर जी मैं थोड़ी इस गल नू एप्रीशिएट करनी हाँ और मैं ए क्लैपिंग करनी हाँ कि तुसी एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा चुकया है, क्योंकि मैं आंदे ही मेरा है पुलिस ऑफिसर्स नाल सवाल सी कि तुसी जड़े सलाहकार अंदर बिठांदे हो क्या इन्फ्लुएंस नहीं होंदे इन्हें चो, मैं नाम नहीं लाँगी। एक ऑफिसर ने कहा कई बार पार्टी नू सीधा डायरैक्ट घर भी बुला लेंदे ने ते तुहाडी गल च दम है। उनकी एक इशू है कि जड़े वुमेन सैल बने हुए ने इत्थे एक तो स्टाफ की भी कमी है, दूसरा इन्होंने 6-6 महीने की 1 साल वास्ते मैंबर अपॉइंट हो जाते हैं,
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਹੋਰ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੁਮਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਬਲੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਫਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ